उल्हासनगर विधानसभेच्या आमदार ज्योती कलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकर्त्यांसह शासनाच्या धोरणावरती हल्लाबोल करत उल्हासनगर तहसीलदार कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला आहे आणि यावेळी अनेकांचा सहभाग दिसून आला. उल्हासनगर मध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असून त्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण देखील वाढले आहे. याचा संपूर्णरित्या परिणाम युवक वर्गावर झाला असल्याचे कलानी यांनी सांगितले आहे. तसेच शासनाकडून लवकरात लवकर यावर पर्याय शोधावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. क्योंकि 5 साल पहले सरकारने जो वादा किया था कि 2 करोड युवक जो हैं उनको नौकरी दी जाएगी, बेरोजगारी हटाई जाएगी, पर वो आज देखते हैं तो 0 पॉइंट पे ही खड़ी है और बहुत सारे युवक जो हैं वो बेरोजगार हैं. ना सिर्फ इतना पर इवन हमारे हम अपने शहर का बात करेंगे तो हमारे शहर का रोज़गार ही सरकार ने ख़त्म कर दिया है. जीन्स के इंडस्ट्रीज बंद हो गए, GST के बाद में बिजनेस खराब हो गए, नोटबंदी के कारण पूरा माहौल जो है वो खराब हो गया है और जीन्स उद्योग उसके बाद में फिर उसको बिल्कुल सरकार ने जानबूझ करके बंद कर दिया है. तो हमारे पूरे यहाँ पे लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं. तो हमारी सरकार आवाज़ जो है वो सरकार को पहुँचाने के लिए हम लोगों ने यहाँ तहसीलदार के माध्यम से अपना निवेदन पत्र दिया है, अपनी आवाज़ जो है सरकार तक पहुँचाने के लिए.